I'm buzzing, let's drink up. You deaf look like big fun. Come on, let's get it on. Like that Marvin Gaye song. I'm stunning, you love me. पिंजरे में था ये, और जैसे सांप पिंजरे के अंदर चला गया तो फिर डॉग कहीं भाग नहीं पाया, तो अपने बचाव में इतने सांप को मार दिया और सांप ने इसको काट दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पिंजरे में अपने डॉग्स को कभी ना रखें। मैंने भी घर में पिंजरा बनाया है, मुझे उस समय पता नहीं था। आज तक के एक भी दिन हमने उस पिंजरे में अपने डॉग्स को नहीं रखा है। मेरे घर में पिंजरा बना हुआ है हाँ, लेकिन हम तब उनको रखेंगे कभी कभी अगर घर में मेहमान आए तो आधे घंटे के लिए, एक घंटे के लिए, थोड़ी देर के लिए हम रख सकते हैं, लेकिन पूरी रात या पूरा दिन नहीं उस पिंजरे में। इसलिए हम खुद अंदर सोते हैं, हमारे 5 कुत्ते भी अंदर ही सोते हैं घर के, बाहर नहीं सोते हैं। बाहर पिंजरे में तेंदुए से तो बच सकते हैं, लेकिन सांप वगैरह से नहीं बच सकते। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि कभी भी डॉग्स को पिंजरे में ना रखें, नहीं तो ऐसा हो सकता है। ये तो वो तो सांप जहरीला नहीं था, लेकिन जहरीला सांप होता तो अभी तक डॉग जिंदा ना होता। ये देखिए मक्की भी तैयार ही हो गई है, बस थोड़ा टाइम और। खोल दो इनका अंदारा। बिल्ली को तो नहीं खाएगा? अच्छा अच्छा ले। तो ये जो बिल्ली है दोस्तों, ये बोल रहे हैं कि रात को पिंजरे में इनके साथ ही बैठती है ये। तो ये देखिए ये खुला है अभी, और बिल्ली को कुछ भी नहीं कर रहा है, बिल्ली भी नहीं भाग रही है। कैच कर लेता है ये हमारे कुत्ते हैं वो करते हैं कैच ना। टाइमिंग अच्छी नहीं है दोस्तों, तो अभी हम इसके साथ थोड़ी मस्ती कर रहे हैं। बहुत ही चबी है, डरावना है, काफ़ी जाइंट है, लेकिन बहुत ही प्लेफुल है। और यहाँ पे देखिए ये इनका दोस्तों फार्म हाउस है, घर इनके नीचे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ खेती करते हैं और गाय और भैंस पालते हैं, और थोड़े डॉग्स रखे हैं दो शौक के लिए। ट्रैक्टर भी खुद का है, देखिए मेन घर इनके यहाँ नहीं है, और हिमाचल के मंडी डिस्ट्रिक्ट में इनकी बड़ी शॉप है एक होलसेल की। दोस्तों जब ये मुंह खोलता ना ऐसे करता है, तो ऐसे होती है बम। बहुत बड़ा जबड़ा है इसका। बस बस रैम्बो, चलो। और यहाँ पे है बिल्ली, देखो हमसे डर के दूर भाग रही है। रैम्बो ये मेरा हाथ है और इसका पंजा है, ये देखिए। सो दोस्तों यहाँ पे ना कोई इंसान इनसे खेलता है डर के मारे, ना कोई डॉग, तो इनको भी अच्छा लगता है जब हम इनसे मिलने आते हैं। देखिए कैसे प्लेफुल है, ये देखिए फ़ैन लगाया हुआ है, पूरी सेवा होती है। लेकिन दोस्तों पिंजरे में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, थोड़ी देर के लिए आप रख सकते हो, लेकिन रात भर या पूरा दिन भर आप कई बार काम में होंगे, सांप अंदर चला गया, अगर कुत्ता कहीं भाग नहीं पाएगा
इंडिया में वैसे मैक्सिमम जहरीले सांप नहीं होते, बहुत कम होते हैं जहरीले सांप। तो इसको जिसने काटा था वो जहरीला नहीं था, जहरीला होता तो अभी तक ये ज़िंदा नहीं होता। इसीलिए अपने साथ रूम में ही रखे अंदर, या उनको छोटा सा कमरा बना दें ऐसे। अजीब कुत्ता है दोस्तों, बार बार लेट जा रहा है खुद ही। उठो। गवर्नमेंट बस भी आ गई। ये देखिए दोस्तों, इसको घुमा के लाए और ये अपने आप ही अंदर चला गया। 2 महीने हुए हैं इस बिल्लू को यहाँ पे आए हुए। चलते हैं यहाँ से। फिर से रुक गई थी दोस्तों रोड पे, अब धक्का देके मैंने साइड में किए। यहाँ पे दोस्तों एक ही मैकेनिक है, उसकी दुकान भी बंद है, तो अभी देखते हैं आगे। चौथी बार बंद हो गई है। हरिओम दोस्तों, तो अभी ये देखिए ईवू हमारी बहुत जोर से भौंक रही थी। यहाँ देखिए मिर्चियाँ सूखने के लिए डाल दी हैं। ये नहीं खाएगी डॉली, चलो ओ चेरी, चलो ये मेरी सवारी मान दे, रुक तू रुक, चला। मैंने थोड़ी देर के लिए निकाला था और ये नीचे भाग रही हैं। ईवा रुक जा तू, रुक। ईवा चल ऊपर, चल करो और यो, चल करो और यो तू और यो, चल चल। डॉली को तो भेज दिया, चलो 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 और यो तू तू चल ऊपर। ये गई थी सबसे आगे। तो दोस्तों तीनों को संभालना आसान नहीं है। अब पानी ढूंढ रही है, चलो चलो डॉली। नो ये देखिए इसको गुस्सा, ओ तेरी। ये देखिए दोस्तों इसको खा रही थी गोटू को, उपले को, ऊपर तो आ नहीं रही है, इसको अंदर ही कर देते हैं। चलो चलो ईवा, चलो ऑटो, चलो चलो
सिट, गुड गर्ल, डाउन, गुड गर्ल, अभी इसको पानी ले आता हूँ दोस्तों पीने के लिए। गार्डिंग दोस्तों बहुत जबरदस्त करती है। ये देखिए, और आज मैंने कांगड़ा वापस जाना था लेकिन बात नहीं बनी। दरअसल मैं तो बस में भी जा सकता हूँ लेकिन जाने के लिए और वहाँ से आने के लिए मुझे गाड़ी ही करनी पड़ती है, क्योंकि ईवा भी साथ में है, बस में तो ये जाएगी नहीं। तो एक फ्रेंड को बोला है, अभी वो चंडीगढ़ में है, आज शाम तक आ जाएगा, फिर कल जाएंगे हम कांगड़ा में ईवा के साथ। तो अभी फ़ैन हमने लगा दिया है और अभी ये करेगी आराम। ईबू सिट, इसको भी लगा देते हैं। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हो तस्वीर, ये मेरी सिस्टर की शादी हुई थी कुछ दिन पहले, तो उनको गिफ्ट दी थी किसी ने। काफ़ी बढ़िया तस्वीर है, देखिए मैं लाइट जला के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth, I can take what I need to get by.